है, बाद में वही मथुरा में बता दो हो तो तेरे लागा में भारी संकट आने वालों है, तू जल्दी घर घूम जा। सोई भैया हमने हनुमान जी के मंत्र को जाप शुरू कर दो, अरे हमारे लागा को लेकर जाप भी तुम बाहर हनुमान जी से नहीं देखोगा, हनुमान जी ने एक मुक्का बना के मसक दा सो मर गई लार पूतना। सारे गोप बाल बोले हाँ भैया हाँ भैया, ऐसे मरी भैया पूतना, जय हो जय हो, सब जय जयकार करने लगे। बोलो सीताराम, साधु जी सीताराम। भैया अब पूतना मौसी को जलाया गया, कैसे जलाया गया सुनो, पूतना मौसी अब काटो गो, छह कोस के जितने पेड़ पौधे चकनाचूर हो गए थे वे मौसी के ऊपर डारे, और जैसे ही भैया जलाओ तो एक चमत्कार हो का। सुखदेव जी बोलते दैयमानस्य देहस्य धूमस्य गुरु सौरभा। आहा महाराज क्या हुआ? सुखदेव जी बोले राजन जब पूतना मौसी के शरीर को जलाया गया तो उसके शरीर से दुर्गंध ना निकली, पूतना मौसी के शरीर से सुगंध चंदन जैसी प्रकट आई। चौंक गए परीक्षित जी, महाराज इतनी पापनी पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासन, पूतना बाल घातनी इतनी पापनी और उसके शरीर से सुगंध कैसे? कोई महापुरुष मरे तो बात अलग, किसी भक्त के शरीर से निकले तो बात अलग। बड़ा प्यारा जवाब दिया, सुनो कान खोल के, अच्छी बात है। क्या कहा? सुखदेव जी बोले राजन कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों ना होवे, लेकिन जो गोविंद का पाद स्पर्श हस्त स्पर्श अथवा नेत्रों के सम्मुख आ जाता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वो गोविंद का विशेष प्यारा हो जाता है। हम नहीं कह रहे, रामायण पढ़िएगा तो रामायण में बड़े भाव के साथ लिखते हैं गोस्वामी जी, सन मुख हो रे जी मैं मोरे चल है। इसलिए भैया
Oh,